ये बड़ा वाला मैं फुला देती हूँ। मम्मी जी तुसी रहन दो, मैं फुला देना है उन्हूं, नहीं तो थोड़ी हवा निकल जानी है, ऐदे विच हवा नहीं भरनी। पंजाबी ओ मेरा मतलब मम्मी जी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जानी है ना थोड़ी। पहले टॉफी डाल देती हूँ उसमें, टॉफी का पैकेट उठाइयो जरा, बच्चे खुश हो जाते हैं जब फूट के गुब्बारा नीचे गिरता है तो। आपके पीछे ही रखा है टॉफी का पैकेट। ओ रहन दो मम्मी, लड़न लग जाना है सारे ने टॉफी के चक्कर विच, फालतू च किसी का सर फूट जाना है, कांड हो जाना है बर्थडे वाले दिन। अरे नहीं लड़ेंगे, तुम अपना काम करो फटाफट, बच्चे आने लगेंगे सारे अब। तैयार बैठे रहते हैं बच्चे आने के लिए। मम्मी यार इतनी देर से लगे हुए हैं, इतने सारे गुब्बारे फुला दिए, मुंह दर्द करने लगा है फुलाते फुलाते। डेकोरेटर को ही बुलाना चाहिए था आपको, यूं डेकोरेट करके चले जाते हैं और वो भी बहुत अच्छा। श्रेया ने भी उन्हें ही बुलाया था, इतनी अच्छी डेकोरेशन करके गए थे ना उसके बर्थडे पे। बेटा पैसे भी अच्छे ही जाते हैं फिर, तुम्हें पता नहीं कितनी मेहनत पड़ रही है, वो तो सारा काम मैंने निपटा दिया, बस तुम्हें गुब्बारे फुला के लगाने में भी मुसीबत आ रही है। ओ तू छेती फुला फुगे, मेरे गोडे दर्द करने लग पे इत्थे खड़े खड़े। तुझे ज्यादा जल्दी हो रही है, खुद फुला ले आके, खड़ा होके चिपकाने लग गया बस। अरे केक भी तो उठा के लाना है, इन्हें कॉल कर देती हूँ, ऑफिस से आते हुए उठाते लाएंगे। मेरा फोन। मम्मी मुझको नए कपड़े पहना दो, बर्थडे वाले नए कपड़े। बेटा अभी तो टाइम है 8 बजने में। नहीं मुझको भी पहना दो। जा फिर मुंह हाथ धो के आ, पहनाती हूँ तुझे कपड़े। अच्छा सुनो मैं क्या कह रही थी, जरा केक उठाते लाना अपना। उई तुझे पता है आज इशिता का बर्थडे है, उसने सबको बुलाया है, मैं तो अपने नए स्कर्ट और टॉप पहन कर जाऊंगी, तू क्या पहन कर आ रही है? मुझे नहीं बुलाया उसने। ओ तूने भी तो नहीं बुलाया था ना उसको अपने बर्थडे पार्टी में, इसलिए नहीं बुलाया होगा। मम्मी के साथ इशिता के लिए आज शाम को गिफ्ट भी लेने जाना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी बर्थडे पार्टी में टेडी बियर और मिकी माउस भी आने वाले हैं, उसने बताया था कितना मजा आने वाला है। ओए इशिता, इशिता इशिता इधर आ। हैप्पी बर्थडे इशिता। कहाँ जा रही है तू? पापा के साथ न्यू ड्रेस लेने जा रही हूँ बर्थडे की, और तू ना टाइम से आ जियो 7 बजे, वरना केक कट जाएगा, ठीक है? चल पापा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, बाय बाय। चल अब मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी रेडी होना है। मुझे भी बुलाना चाहिए था इशिता को अपनी बर्थडे पार्टी में, पर कोई नहीं मैं गिफ्ट लेके चली जाऊंगी। ओए तुझे 5 ट्रॉफी दी आंटी ने? नहीं पागल तू लेट आई थी ना, सबसे बड़ा बलून जब फूटा था ना तो मैंने 3 ट्रॉफियां लूट ली थी। मुझे तो केक भी छोटा सा दिया है आंटी ने। फ्रूटी भी दी आंटी ने? हाँ शायद तुझे देना भूल गई है आंटी। आंटी आंटी आप मुझे फ्रूटी देना भूल गई। अच्छा बेटा रुक जा लाती हूँ। ले बेटा। और आंटी मेरे ना छोटे भाई के लिए भी केक दे देना। अच्छा भाई तेरे साथ आया क्या? नहीं आंटी उसकी तबीयत खराब है ना इसलिए नहीं आया। अच्छा बेटा लेकर आती हूँ। ये तो बड़ी चलाक है,
अपने भाई के लिए भी केक लेके जा रही है। आंटी मेरी छोटी बहन के लिए भी केक दे देना, उसने मंगाया है, क्योंकि इस गिफ्ट में उसके भी पैसे थे ना। अच्छा बेटा लेकर आती हूँ। मैंने अपने भाई के लिए केक लिया तो इसने भी अपनी बहन के लिए ले लिया। कॉपीकैट। ओए ये तो सारी नमकीन केक पे चिपक गई। मेरी भी। पर टेस्टी लग रही है। आ जाओ बेटा बारी बारी से सब डांस कर लो। आंटी मैं आ रही हूँ पहले। इससे अच्छा तो मुझे आता है, मैंने तो डांस क्लास में भी सीखा था। आंटी मैं बेबी डॉल में सोने जी पे डांस करूंगी। हाँ बस सामान लेकर आई हूँ आंटी। हाँ बेटा आज मेरा बर्थडे है तो आप मिस्टी को भेज देना 8 बजे। अच्छा हैप्पी बर्थडे बेटा, खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ। थैंक यू आंटी जी। बस मिस्टी को भेजूं या मैं भी आ जाऊं? नहीं आंटी जी बस छोटे बच्चे आएंगे मेरे बर्थडे में। अच्छा ठीक है बेटा भेज दूंगी। आंटी से बोल दूं क्या कि सब बच्चों को गिफ्ट भी लेकर आना है? और सब बच्चों को अच्छा सा गिफ्ट भी लेके आना है। आजकल के बच्चे भी ना। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, चलो 10 प्लेटें तो ये लग गई, 10 और लगा दूं। जीते ले बेटा एक एक प्लेट सब बच्चों को पकड़ा दे, मैं और प्लेटें लगा दूं। ओ मम्मी जी एदे विच बिस्किट ते पा दो। अरे कोई ना कोई प्लेट रह ही जाती है, ले रख ले तू। होर मम्मी जी एदे विच तुसी टॉफी नहीं पाई? इसमें तो रखी थी मैंने टॉफी। इतने ध्यान से रख रही हूँ फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ले रख दे टॉफी भी। मम्मी सारा केक बच्चों को मत दे देना, मेरे लिए भी बचा देना। बेटा तुझे जितना खाना है तू खा लेना, तेरे लिए अलग से रख दूंगी उठा के, ठीक है? हाँ भैया जरा दिखा देना 12-13 साल की बच्ची के लिए बर्थडे गिफ्ट। मम्मी कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना उसके लिए, उसने भी मेरे बर्थडे पे ना यूनिकॉर्न वाली ज्वेलरी दी थी। लो आती अंदर घुस गई, गलत ले आई इसे तो साथ, अकेले ही आना था। और तूने 2 दिन में तोड़ के बराबर कर दिया था। मम्मी ये बारबी सेट ले लेते हैं ना? ना रख उसे वहीं पे, कोई काम की चीज लेंगे, तुम्हें तो बस फालतू की चीज देखनी आती है। मम्मी प्लीज यही ले लेते हैं ना, और मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट भी चूज मैं ही करूंगी ना, आप क्यों कर रही हो फिर? ये ठीक रहेगा, कुछ काम में भी यूज करेगी वो। पेन पेंसिल रबर कटर सब कुछ है इसमें, देख ये होती हैं काम की चीजें। ये भी ठीक लग रहा है। भैया इसका बिल कर दो आप। गिफ्ट रैप तो करवा लो मम्मी। ठीक
₹30 रैप करवाने के लगेंगे। इससे अच्छा घर पे रखा हुआ है रैप, मैं खुद ही कर दूंगी। चंदी हरकतें दिखाती रहती है मम्मी भी। मम्मी आप अच्छे से नहीं करोगी, भैया से ही करवा लो ना। फिर जिद कर रही है, पिटेगी यहीं पे। बच्चों को तो लाना ही नहीं चाहिए साथ, नाक में दम करते हैं। लो भैया, ये पेंसिल बॉक्स कितना क्यूट है, पिंक कलर का। इसमें क्रियॉन्स भी हैं, इरेजर भी है इसमें तो। मेरे पास तो सब कुछ पुराना है। फिर सिद्धि सबको दिखाएगी पूरी क्लास में नया पेंसिल बॉक्स। छुपा देती हूँ। दिवाली पे गिफ्ट आए थे, उसकी पिन्नियाँ संभाल के रख ली थी मैंने। देख लो, काम आई जाती है। कहाँ गया पेंसिल बॉक्स यहाँ से? यही तो रख के गई थी मैं। पता नहीं मम्मी कहाँ गया। झूठ बोलेगी, जा लेके आ। ऐसा मारूंगी ना गाल पे, बैठ के नीचे छुपा के आई है ना। जा लेके आ। मम्मी मुझे ये पेंसिल बॉक्स चाहिए। बेटा तेरे पास तो है ना पेंसिल बॉक्स, ये तो सिद्धि के लिए लाए हम। क्या देगी फिर उसे? उसे कुछ और दे देना। चल ले आऊंगी तेरे लिए दूसरा, ला दे इसे। ठीक है भैया, मैं चेक करती हूँ। ओए चिट्टू वाले के मोमोज खाने चल रही है। एक मिनट इधर आ। क्या हो गया? ये बताना कौन सी डेकोरेशन अच्छी लग रही है। ये ब्लैक एंड येलो का कॉम्बो अच्छा लग रहा है ना। अरे यार अभी थोड़ी ना आ रहा है मेरा बर्थडे, अभी पूरे 2 महीने हैं, आराम से तैयारी कर लियो, बहुत टाइम है तेरे पास। चल बे तेरे लिए थोड़ी ना है, वो आरव का बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ मैं। अबे रहने दे बस, उसने क्या कर दिया तेरे लिए जो तू उसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही है? आया तक नहीं था वो तेरे बर्थडे पे। यार तबीयत खराब थी उसकी, बाद में तो आया था ना। हाँ तो बाद में इसलिए आया था कि बर्थडे वाले दिन जाऊंगा तो खर्चा ना करना पड़ जाए। तू ना बहुत गलत सोचती है उसके बारे में। अबे सही सोचती हूँ मैं, तुझे ही पैसे उड़ाने का शौक है, उड़ा। अच्छा बेटा जब तू जस्सी के लिए इतना सब कुछ करती है, मैं तेरी बिना कुछ बोले इतनी हेल्प करती हूँ ना। जस्सी से कंपेयर कर रही है उसे। तो अब तू सारा सब कुछ देखेगी, मैं कुछ नहीं जानती, और मैंने प्लाजा इवेंट में बुकिंग भी कर दिया है। हाँ वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ तो क्या हुआ, इकलौता बॉयफ्रेंड है मेरा, और साल में एक ही बार तो बर्थडे आता है उसका ना। उस गेंडे को 10 बार पैदा करवा दे धरती पे बोझ बढ़ाने के लिए। क्या बोल रही है तू उसे? मेरा मतलब इतने पैसे कहाँ से लाएगी तू? बहुत टाइम से जोड़ रही थी ना, उसके नाम की गुल्लक रख रखी थी मैंने। वाह भाई उसके लिए पैसे जोड़े जा रहे हैं। सही कहते हैं लोग, प्यार में अंधे लूले लंगड़े सब हो जाते हैं। हाँ सब पता है मुझे, क्या सोचिए तू अपने मन में। और हाँ वेन्यू तक तू लेकर आने वाली है उसे बिना कुछ बताए, मैं सब कुछ रेडी रखूंगी। सब पता है तो उसकी असलियत क्यों नहीं दिखाई देती? गलत बंदे पे पैसा फूंक रही है तू। चल चुपचाप जा भी यहाँ से, मैं तुझे अपडेट देती रहूंगी, वैसे भी बहुत काम है मुझे। मैं क्या बोल के लाऊंगी उस गेंड आरव को? मैं भी उस गेंडे से इसका पीछा छुटा के ही रहूंगी। और हाँ कोई कांड करने की मत सोचियो। हाँ ठीक है। मम्मी इस बार कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं ना। मम्मी आ जाओ ना, गिफ्ट्स खोल के देखते हैं सारे, जल्दी आ जाओ। बस सबके जाते ही तुझे गिफ्ट खोलने की आफत पड़ गई। अब अपने बर्थडे की गिफ्ट भी ना खोल के देखूं क्या? बच्चे भी बहुत शैतान होते हैं, पूरी गंद मचा के चले गए,
सारा सोफा गंदा कर दिया, केक कोल्ड ड्रिंक सब चिपका के चले गए। रुक जा, आ रही हूं मैं, देखना पड़ता है किसने क्या दिया है, फिर हमें भी तो देना पड़ेगा। जल्दी आ जाओ फिर। गिफ्ट ही गिफ्ट दे दिए लोगों ने भी, इससे अच्छा पैसे ही दे देते, ना खर्चा हो गया। पहले ये वाला खोलते हैं, ये रिद्धि के घर से आया है। कितना क्यूट टेडी है, अब इसी को लेकर सोया करूंगी रात। अरे अरे, पिन्नी क्यों निकाल रही है, हल्के कलर का गंदा हो जाएगा। अब सालों तक इसकी पिन्नी नहीं हटाने देंगी। अब कौन सा खोलूं? और मम्मी, ये सुनीता आंटी ने लिफाफा दिया है। चलो, किसी ने तो लिफाफा दिया। बोल रही थी कि मुझे तो समझ में नहीं आया क्या गिफ्ट दूं, तो तू अपनी मर्जी से खरीद लियो। ला, मुझे दे दे, मैं रख लेती हूँ, तुझे जब चाहिए होंगे मैं दे दूंगी। मम्मी, इसमें तो ज्योमेट्री बॉक्स ही है पक्का, आवाज से ही बता दिया मैंने। रहने दे, मत खोल इसे, वैसे भी ज्योमेट्री बॉक्स दो और पड़े हैं, चिंकू का बर्थडे आ रहा है, उसे उठा के दे देना। और इसमें तो कुछ अच्छा सा लग रहा है, वाटर बोतल टाइप। स्टील की बोतल, इसे तो स्कूल लेकर जाऊंगी साथ, ठंडा पानी ठंडा रहेगा, गरम पानी गरम। रख दे इसे साइड में, अभी नई बोतल ही लाके दी है तुझे, बाद में निकालियो इसे। क्या है यार मम्मी को। इसे लेके जाऊंगी। और ये लिफाफा दिनेश अंकल ने दिया है मम्मी। हाँ ला, पकड़ा मुझे। क्यों, एक लिफाफे के पैसे तो आपने ले लिए ना, इसे तो मेरे पास रहने दो। इतना खर्चा करवा के पेट नहीं भरा तेरा, अंदाजा है कुछ कि कितना खर्चा हो गया मम्मी पापा का? ना, माँ बाप तो बस खर्चा करने के लिए हैं, जो आए वो सब तुम्हारा। मैं तो नहीं दूंगी ये। अच्छा, पिट जाएगी मुझसे आज ही, मनाऊं तेरा हैप्पी बर्थडे। मैं तो नहीं ले रही, तुम ही ले लो सारे गिफ्ट भी। खर्चा हमारा होता है और जो लोग गिफ्ट देके जाते हैं वो इनका हो जाता है, हम तो यहाँ पागल बैठे हैं अपनी जेब लुटवा के। पढ़ाई तो होगी नहीं आज इसकी, एक ही नोटबुक रख देती हूँ, टॉफियां बांटती रहेगी आज तो पूरे दिन। ये दो पैकेट काफी हैं टॉफी के। लंच बॉक्स आगे रख देती हूँ। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बर्थडे गर्ल, किसी की नजर ना लगे। ले, तेरा बैग कर दिया रेडी, इसमें दो टॉफी के पैकेट रख दिए, दो दो टॉफी निकाल के सब बच्चों को दे देना, दो से ज्यादा मत देना। और जब एक पैकेट खत्म हो जाए तब दूसरा निकालना, ठीक है? ले आ जा, और तेरे लिए मैगी और जूस आगे वाली चेन में रख दिया, आ जा। तेरा फ्रॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है, तू टॉफी तो लेकर आई है ना? ला, तेरा बैग मुझे दे दे, तेरा बर्थडे है ना आज, बैग भारी हो रहा होगा। मैं तेरे साथ चलूँगी टॉफी बांटने के लिए, बस तू है ना मैम को बोल दियो कि परी को साथ ले जाऊँगी। ठीक है, सबको ना वन वन टॉफीज देंगे। नहीं, मम्मी ने बोला है सब बच्चों को टू टू टॉफीज देनी है। ठीक है, फिर तू ना मुझे 5 टॉफीज दे दियो, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। आपने स्वॉर्ड भीम को दे दी, कोई
कोई बात नहीं, लेकिन दो के स्टूडेंट मिलने की खुशी में हमें पार्टी तो दीजिए। आ गई, बांट दी बच्चों को टॉफी। मम्मी बाद में ना आरव ने मेरी बच्ची वाली टॉफी चोरी कर ली थी। कोई बात नहीं बेटा, वो तो शैतान है बहुत। बच्चों ने हैप्पी बर्थडे बोला तुझे? और स्वीटी मैम ने ना क्लैपिंग भी करवाई थी। तूने बताया मैम को तू 5 years की हो गई? ओए स्नेहल का बर्थडे आज? हाँ, मैंने तो विश भी कर दिया। वही देख रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे लगा रखा है उसने। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को शो ऑफ करने में। भाई मैं एक बार को ना फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन किसी के बर्थडे विशेस करने का स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे नहीं लगाऊंगी। तूने नहीं किया क्या विश? अभी तक तो नहीं किया, पहले चेक कर लेती हूँ उसके इनबॉक्स में जाके, उसने मेरे बर्थडे पे विश किया था या नहीं। रूखा सूखा विश तो किया हुआ है उसने मैसेज में, मैं भी सेम चिपका देती हूँ। हैप्पी बर्थडे स्नेहा। ओए यार मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है, सोच रही हूँ शॉपिंग ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन। एक काम करते हैं, कल मार्केट चल के देख लेते हैं। ओए अभी नहीं है तेरा बर्थडे, 2-3 महीने बाद है, मतलब बहुत टाइम है तेरे पास शॉपिंग करने के लिए। हाँ तो पहले देखना पड़ता है ना, एंड टाइम पे कुछ अच्छा नहीं मिला तो मेरा बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा यार। और हाँ मेरे बर्थडे पे ना पहले ही परमिशन ले लियो अपनी फैमिली से, ट्रिप मार के आएंगे। और हाँ मुझे ना कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। और रिया और तनिषा को भी इन्फॉर्म कर दियो, अपना बर्थडे ना मेमोरेबल बनाऊंगी इस बार, खूब मजे काटेंगे। ओए हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू यार। सबसे पहले मैंने ही विश किया ना? नहीं, तेरे से पहले 2 लोगों का कॉल ऑलरेडी आ चुका है। मैंने तो सबसे पहले विश करने की कोशिश की थी, लेकिन तेरा ही फोन बिजी आ रहा था। चल वो सब छोड़, मेरे घर वालों से परमिशन मिल गई है, ट्रिप तो फाइनल है ना, कैसे जा रहे हम लोग? क्या बोलूं इसे यार, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? पैसे ही नहीं बचे यार, सारे शॉपिंग में उड़ा दिए, मेकअप कपड़े हील्स। वाओ, अब वो कपड़े और मेकअप पहन के ना घर में ही बैठी रह तू। अच्छा सुनना, थोड़े से पैसे बचे हैं मेरे पास, थोड़े तू ले ही हो, मिलके पार्टी कर लेंगे। चल है चिंदी। अरे सुन, इतने टाइम से प्लान कर रही थी, ये करूंगी वो करूंगी, एंड टाइम पर आकर सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बस अब घर पे बैठ के सबके मैसेजेस का रिप्लाई करते रहो। थैंक यू सो मच। छी यार, ये मम्मी ने कौन सी फोटो लगा दी मेरी बचपन की, नाक निकल रही है इसमें मेरी। मम्मी। हाँ 22 साल की हो गई है पूरी इस बार। बैठी अपने रूम में ही, कर देना उसी के फोन पे तू विश। क्या है यार मम्मी, ले आ गई। कितने सारे फोटो सेंड किए थे मैंने आपको, यही फोटो मिली थी लगाने के लिए आपको। कितनी प्यारी तो लग रही है, ये फ्रॉक तेरे पापा नेपाल से लेकर आए थे। 5 साल की है तू इस फोटो में, गोलू मोलू सी। हटाओ इसे जल्दी, पता नहीं किस किसने देख ली होगी। हेलो, ले अपनी मासी से बात कर, हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। मैं क्या बात करूं, वैसे तो करते ही नहीं हो, आज तो कर ले। ले हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मासी। हाँ थैंक यू बोल रही है। हे गाइस, आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई और आप लोग वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो को आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा, रिलेट किया होगा। तो जिसने भी वीडियो को रिलेट किया है ना, वो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट कर दो जिस भी पार्ट से आपने रिलेट किया है।
और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना सबके साथ, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जल्दी जल्दी से हमारे 500 की करा दो जल्दी से, ओके। वीडियो को शेयर करो और सबको बोलो कि सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड वन मोर थिंग, हमारा Q&A भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर है, जितना मेरे से हो सकेगा मैं सबके क्वेश्चन के आंसर करूँगी, तो उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दीप व्लॉग को, दीप कौर व्लॉग को। तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखो, एंजॉय करो। मुआ।